दोस्तों, आपने जी टीवी का पॉपुलर शो डोली अरमानों की देखा होगा, जिसकी कहानी एक लड़की पर बेस्ड होती है जो अपनी शादी के लिए कई सारे सपने संजोती है, लेकिन उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती और उन पर पानी तब फट जाता है जब उसकी शादी बिगड़ैल और अय्याश कस्म के लड़के से करा दी जाती है। बता दें कि सीरियल में सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था और उनमें से एक किरदार था उर्मी का किरदार, जिसे अभिनेत्री नेहा मर्दा ने निभाया और इस किरदार के साथ लोगों की वो पहली पसंद भी बन गई। लेकिन दोस्तों, आप नेहा मर्दा के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप एक्ट्रेस के पति और उनके बच्चों के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक्ट्रेस नेहा मर्दा के पति और उनके बच्चों से ही मिलवाने वाले हैं। अगर आप भी उनके पति और बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही आप इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री नेहा मर्दा का जन्म 23 सितंबर 1985 को कोलकाता में हुआ, इसलिए उनकी सारी पढ़ाई भी कोलकाता के स्कूल और कॉलेजेस में हुई। अगर एक्ट्रेस के अभिनय करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2005 के सीरियल साथ रहेंगे ऑलवेज से की थी। इस सीरियल में उन्होंने पीहू का किरदार निभाया था। उन्होंने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शक भी उनके दीवाने हो गए थे। इस सीरियल के बाद उन्होंने घर एक सपना में काम किया। इन दोनों सीरियल में उनके अभिनय को देखकर निर्माता निर्देशक उनसे बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने बालिका वधू, ममता, जो इश्क की मर्जी वो रब की मर्जी, देवों के देव महादेव सहित कई और शोज में काम किया और घर घर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल कर ली। वह आज भी एक्ट्रेस ने अपना करियर जारी रखा हुआ है। वो आज भी जी टीवी के सीरियल क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी में नजर आती हैं। तो वहीं अगर हम इस खूबसूरत अभिनेत्री के पति के बारे में बात करें तो उनके पति का नाम आयुष्मान अग्रवाल है। एक्ट्रेस के पति प्रोफेशन से बिजनेसमैन है जो की कोलकाता में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। और अगर अब एक्ट्रेस की लव लाइफ की बात की जाए तो दोनों पहली बार कोलकाता में मिले थे, जहां नेहा मर्दा शो से ब्रेक के लिए गई थी, जहां उनकी मुलाकात आयुष्मान से हुई। दोनों पहले दोस्त बने, पर उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को काफी वक्त तक डेट किया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का भी फैसला किया और शादी के बंधन में बंध गए। इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शादी करने का मन बना लिया और साल 2012 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। वह आपको बता दें कि एक्ट्रेस अभी तक मां नहीं बनी है, लेकिन वो एनिमल लवर हैं और हाल ही में उन्होंने एक छोटे से डॉगी को भी अडॉप्ट किया है, जिसका नाम उन्होंने विस्की रखा है। फिलहाल वो इस डॉगी की मम्मी बन गई हैं। वह एक्ट्रेस ने कहा कि वो अगले कुछ सालों में फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको एक्ट्रेस नेहा मर्दा के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सभी बातें जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।